तो वहीं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनके मन में जब जब प्रधानमंत्री बनने का ख्याल आता है तब तब वो इस तरह की बातें करते हैं। उनकी प्रधानमंत्री बनने की बौखलाहट ने उन्हें समय समय पर जनादेश के प्रति विश्वासघात करने का मौका दिया है। इनके मन में जब जब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आता है तब 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 इस तरह की बातें वो करते हैं, क्योंकि जो एक अकुलाहट है प्रधानमंत्री बनने की, वो अकुलाहट समय समय पर इस तरह के जनादेश के प्रति विश्वासघात करने का वो उन्हें अवसर देती है। कल आश्चर्य तो लगा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए गए। यह आरोप आधार ही में उन्होंने मनोज शर्मा के खिलाफ श्री रणविजय सिंह को उम्मीदवार बनाया, और इसी प्रकार से कैमूर में श्रीमती रिंकी पांडे के खिलाफ में उन्होंने श्री प्रमोद पटेल को उम्मीदवार बनाया, और बैकुंठपुर जो गोपालगंज जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र है वहां से हमारे दल के पदाधिकारी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश तिवारी जी के खिलाफ में श्री मंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाकर उन्हें हराने का काम किया। और ये तीनों आज जनता दल यूनाइटेड के राज्य और जिला के पदाधिकारी बने हैं। तो इस तरह के आरोप लगाकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें कही है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवारों को 2020 में उन्होंने हरा। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि अपने महत्वाकांक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जिस प्रकार से लगातार वो पलटी मारते गए, आने वाले दिनों में जो बिहार के मतदाता है वो भी इनके साथ अब पलटी मारेगी।